नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ मकर लगन व कुंभ राशि के जातकों के लिए जून 2021 का राशिफल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आपका मकर लगन व कुंभ राशि का कम्बिनेशन बनता है तो जून का माह आपके लिए कैसा जाएगा। सबसे पहले हम बात करें कि मकर लगन में ग्रहों की स्थिति। शनि महाराज लगन में विराजमान है वक्री अवस्था में, देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में धनभाव में है और 20 जून को वक्री हो जाएंगे। पंचम भाव में सूर्य बुध व राहु की युति। 14 जून के बाद सूर्य जो हैं छठे भाव में चले जाएंगे, शुक्र के संग युति करेंगे। सप्तम भाव में कर्क राशि के मंगल और एकादश भाव में केतु। और कुंभ राशि से बात करें तो शनि महाराज वक्री अवस्था में द्वादश में हैं, देवगुरु बृहस्पति लगन पे हैं कुंभ राशि में और 20 जून को वक्री। सूर्य जो है चौथे भाव में राहु और बुध के साथ, 14 जून के बाद सूर्य पंचम में शुक्र के साथ, और जो लाभेश आपके दशमेश जो शनि मंगल हैं वो अपनी नीच राशि मंगल में छठे भाव में हैं और दशम भाव में केतु हैं। ये तो ग्रहों की स्थिति है मकर लगन व कुंभ राशि के लिए। अगर आपका मकर लगन व कुंभ राशि का कम्बिनेशन बनता है तो ये मेरा मानना है कि जून का महीना आपके लिए 55% तक बढ़िया जाने वाला है। 55% तक ये महीना आपको रिजल्ट देगा। अगर आपने जून के महीने में किसी काम को प्लान कर रखा है तो उसके होने की संभावना 55% तक बनती है। सबसे पहले हम बात करें कि जून के महीने में हमारा काम बनने का समय कौन सा आता है, जब वो कौन सी अवधि होगी जिस समय हमारे काम ज़्यादा तरीका में बन सकेंगे, वो अवधि होगी 14 जून से लेकर 30 जून के बीच में। और इसमें भी 20 जून के बाद कामों की गति और भी अधिक तेज होगी जब देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्री अवस्था में आ जाएंगे। सबसे पहली बात, क्योंकि लग्नेश मंगल आपके जो है मकर लगन से भी लग्नेश बनते हैं, कुंभ राशि से भी लग्नेश बनते हैं, लग्नेश शनि जो है इस समय वक्री चल रहे हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और लग्नेश शनि के वक्री चलने के साथ ही नीच राशि में मंगल छठे भाव में जो बैठे हैं, यहाँ पे सप्तम में बैठे हैं या छठे भाव में बैठे हैं, वो इस बात का संकेत दे रहे हैं अचानक किसी प्रकार के ऑपरेशन का संकेत या किसी प्रकार की दुर्घटना या चोट वगैरह आपको लगने की संभावना बनती है, इसलिए हेल्थ का ध्यान रखिए। मकर लगन व कुंभ राशि के लिए जून के माह में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी इंप्रूव होगी, आपके पास धन लाभ का संकेत मिल रहा है। अगर आप व्यापार में हैं तो कोई लंबा चौड़ा आपका सौदा हो सकता है, प्रॉपर्टी का सौदा हो सकता है, व्यापार में आपके लिए लाभ का समय है। अभी तक मकर लगन व कुंभ राशि के जातक जो कि नौकरी में तलाश में थे और उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, उस काम में तेजी आएगी। अब आपके गुरु के वक्री होने से 20 जून से नौकरी मिलने में आसानी होगी, आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं, जॉब में आपकी प्रमोशन हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ जून के माह में अपनी संतान को लेकर आपको किसी प्रकार की कोई चिंता परेशान कर सकती है। और साथ ही क्योंकि मंगल की दृष्टि लगन पर है इसलिए आपके क्रोध की मात्रा बढ़ेगी, अपने क्रोध पर काबू रखिए। आपके मुंह से ऐसी बात निकल सकती है कि आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाए। गुरु के वक्री होने का सीधा फायदा यह होगा कि गुरु लगन से भी इफेक्ट देंगे और शनि और गुरु दोनों जो आपके सप्तम भाव को देखेंगे तो ये समय ऐसा है जब आपका विवाह तय हो सकता है। इसके साथ साथ लगन में शनि वक्री अवस्था में है और कुंभ राशि से लग्नेश द्वादश में है, इस बात का संकेत है कि अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो ट्रांसफर हो सकता है या आपका स्थान परिवर्तन या किसी प्रकार की विदेश यात्रा हो सकती है। फिर मैं कहूँगी जून के माह में मेन सावधानी, एक तो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए और एक आपकी वाणी से काम बिगड़ सकते हैं, वाणी से आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं, क्योंकि कैरियर के हिसाब से समय बहुत महत्वपूर्ण है, कैरियर में आगे बढ़ने का समय है मकर लगन व कुंभ राशि के लिए, इसलिए अपनी वाणी पे कंट्रोल रख के चलिए। और अगर आप दंपत्ति अपनी संतान प्लान करना चाहते हैं तो संतान प्लान कर सकते हैं और इस माह आपको संतान से जुड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। साथ साथ मैं कहूँगी मकर लगन कुंभ राशि के लिए, क्योंकि कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साथी चल रही है, इसलिए आप शनि महाराज से जुड़ा कोई ना कोई उपाय जरूर करिए जिससे आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था मकर लगन व कुंभ राशि के लिए। अगर आपका मकर लगन व कुंभ राशि का कम्बिनेशन बनता है तो जून का महीना आपके लिए 55% तक बढ़िया जाने वाला है। आपको अपने कामों में सफलता मिलेगी और काम बनने का जो हमारे लिए समय निकल कर आता है वो आता है 14 जून से 30 जून के मध्य में। तो दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।